थावला कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक अभिनव मेहरा थावला में अपनी सरकारी सेवाओं के साथ जीव दया व गौ सेवा के प्रेरणा स्रोत बने। दो वर्ष पूर्व इस विद्यालय में आने के बाद स्कूल की सराहनीय सेवाओं के साथ यहां संचालित गौ सेवा भी जीव दया मन से जुड़ते हुए आमजन के मन में जीव की दया का भाव जागृत किया। अज्ञात परिस्थितियों में घायल और बीमार हुए गौवंश, स्वान, बिल्ली, बंदर सहित पशु पक्षियों का इलाज करते हुए सुरक्षा प्रदान की। दो वर्ष की सरकारी सेवा के बाद जयपुर स्थानांतरण होने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सहित ग्रामीणों ने उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उन्हें साफा और माला पहनाकर अपनों से विदा होने का दुख प्रकट किया गया। विदाई समारोह में शैलेंद्र उपाध्याय, रोहिता सिंह, सुनील भारोला, शेखर सारस्वत सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। आप सभी गोरक्षा दल और जीव दया के सदस्यों का मैं साथ और आभार ये कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया और जिस तरीके से थावला में एक नई क्रांति का शुरुआत की कि यहाँ का आदमी ही नहीं, यहाँ का कोई जीव भी है तो वो उस पर यहाँ के लोगों की दया बनी रहे, उनको कोई भी कष्ट नहीं हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूँ कि आपने ये अभियान चलाया। और यहाँ के जितने भी जीव हैं, इसी तरीके से मैं कामना करता हूँ कि यहाँ के जितने भी जीव हैं वो आपके सानिध्य में इसी तरीके से वो उनके दुख दर्द दूर होते रहें और यहाँ थावला में हमेशा सुख शांति बनी रहे। और जो हमारा जीव दया और अपना गोरक्षा दल है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं आगे यही चाहता हूँ इसी तरीके से आप लोग सभी काम करते रहे। ये मुझे पता नहीं था, ये एक तरीके से मेरे लिए सरप्राइज़ है। आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइज करा, मुझे बुला के और मेरा सम्मान किया, मैं अपने आप को इसके बहुत थोड़ा सा हम लायक समझता हूँ कि इसी तरीके से मेरे जैसे यदि हर एक आदमी यहाँ का थोड़ा सा अपना योगदान दे तो इस मामला के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको और प्रोत्साहन दें और आपके आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अभिनव सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें अपने आदर्शों से, अपने ज्ञान से कृतज्ञ किया। और ये दो साल ऐसे निकले हैं जैसे कि दो महीने हुए हों सबके सबको यहाँ पे आए हुए। सर आपने जो यहाँ पे हमें सिखाया, जीव दया के बारे में बताया, या हमारे साथ मिलकर जो टीम के साथ में आपने जो काम किए और आपने जो शिक्षा विभाग में अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए हम तहे दिल से आपका करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप जितनी ऊँचाइयाँ पा सके अपने जीवन के अंदर उतनी ऊँचाइयाँ आप पाए। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा थावला से आज मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ में खड़े हैं अभिनव मेहरा सर, जो कि बालिका विद्यालय में दो वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं, अपनी सराहनीय सेवाओं के साथ शिक्षा विभाग में सेवाएं दे ही रहे हैं। उसके साथ में जीव रक्षा और गौ रक्षा दल में भी अपनी सराहनीय सेवाएँ रही। दो सालों से यहाँ पर ये कार्यरत हैं, दो सालों में इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएँ दी हैं। हमेशा जो भी जीव जंतु हैं उनको कैसे बचाया जाए, बीमार जीव जंतुओं का उपचार कैसे किया जाए, इनमें इन्होंने विशेष अपना योगदान दिया है, अपनी सेवाएं दी है। और सराहनीय सेवाओं के बाद आज इनका जो स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है, तो हम सभी को बेहद दुख है कि आज हमारे एक साथी यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो अपने नज़दीकी गाँव जा रहे हैं और एक बड़े पद पर जा रहे हैं। तो मेरी पूरी टीम की तरफ से, गोरक्षा टीम की तरफ से और जीव दया संस्थान की तरफ से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दो वर्षों से बालिका स्कूल में कार्यरत अभिनव जी सर, जो अब जयपुर में उनका स्थान होगा, और हमारी गौर सदर टीम में और जीव दया टीम में हमेशा एक्टिव रहते थे। जब गौ माता की पीड़ित थी, जब उनको सूचना मिलती या कहीं भी उनको जरूरत पड़ती है हमें, तो तुरंत पहुँचते थे और कभी भी जीव जंतु के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आज ये जयपुर जा रहे हैं इस तरह होने के बाद में दुख भी हो रहा है, लेकिन